नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एरोकोक्सिब एमआर एक ब्रांड नेम है। एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन इटोरिकोक्सिब 60 mg और थियोकोलचिकोसाइड 4 mg होता है। इटोरिकोक्सिब शरीर में दर्द और सूजन को कम करता है और थियोकोलचिकोसाइड शरीर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और शरीर की मांसपेशियों की जकड़न और मांसपेशियों की ऐंठन को कम करता है। एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट का उपयोग मांसपेशियों के दर्द के इलाज में किया जाता है, जैसे कमर में दर्द होने पर, गर्दन में दर्द होने पर, हाथों व पैरों की मांसपेशियों में दर्द होने पर एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट का उपयोग किया जाता है। एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट शरीर की मांसपेशियों की ऐंठन, मांसपेशियों की जकड़न और मांसपेशियों के दर्द से राहत दिलाती है। इसके अलावा रूमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर भी जोड़ों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट का उपयोग किया जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बदहजमी होना, पेट में दर्द होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशेस होना, भूख कम होना, दस्त होना, नींद अधिक आना, सिर चकराना और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट को लेने से किडनी व लिवर डैमेज हो सकते हैं और शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक यानी लगातार कई महीनों या कई सालों तक एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट का सेवन करने की वजह से पेट में ब्लीडिंग होने का, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट को दिन में एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर केवल दर्द होने पर ही एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट को डॉक्टर 5 दिन तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट को देना रेकमेंडेड नहीं होता है। एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट को लगातार 7 दिन से अधिक लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी मर्जी से एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट को लगातार लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। पेट में अल्सर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किडनी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वजह से पेट में ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान
करा रही महिलाओं के लिए एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है। एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एरोकोक्सिब एमआर टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।